तो सबर हुआ नहीं और हम लोगों ने खोल लिया, तो ये है। अरे रुक जा, दिखा रही हूँ, रुक जा बहन, रुक जा। अभी आपको दिखाऊंगी। ये रोज, रोज तो ऊपर ऊपर है, ऊपर ऊपर वाला मेरा रोज था। पीनट चिक्की गुलाब चिक्की है ये, गज्जक बोलते हैं हमारे वहाँ पे इसको, कुछ भी हो यहाँ पे चिक्की गुलाब वाली है। टेस्ट है कैसा? टेस्ट कर रहा हूँ अभी, अभी तो कर ही रहा है। ओह माय गॉड, ओह अच्छा, ऐसा बोलना है? नहीं नहीं, लोगों को पसंद नहीं आएगा ऐसे बोल दो। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा बोलना है, बोलो पापा। मैं खा के बताती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको पिक्चर से भी दिखा सकती हूँ। ये मैंने डाल दी नहीं, ये है चॉकलेट और ये है, मैं आपको पिक्चर से भी दिखा दूंगी और डाल दे तो वो अच्छा है। ये मेकअप पे, ये आईशैडो है, ये लिपस्टिक पे, इसको मैं पता नहीं खोल के दिखूंगी क्या है, ये तो कॉमी लग रही है मुझे और ये भी कॉमी लग रही है। वाओ परु, क्लास परी, वेरी गुड, मजा आ गया परी बेटा, तेरी ब्लॉगिंग सुन के तो तू तो रहने दे भाई, तेरी समझ नहीं आएगा। नहीं नहीं, जो गाड़ी में, जो गाड़ी में नीरव को बोल रहे थे आप, तू तो रहने दे भाई, तेरी समझ में नहीं आया। क्यों बोला था? जब कुछ कह रहे थे मामी के घर जाने के लिए तब। हाँ मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं है, ठीक है। जैसा जैसे उसको खाने के बाद वो पीस करती है ना, गुड़ खा निकलती है ना। ओके ओके, टेस्ट है। तो ये सारा जो हम लेके आए हैं गढ़वाल बेकरी सेक्टर 11 में, वहाँ से। बाकी सामान जो लेके आए वो सुबह दिखाऊंगी, अभी नहीं क्योंकि ऑलरेडी 9:30 हो चुके हैं। बिल में होगा 85 है वैसे तो, 400 ग्राम 85 रुपीस की है। तो ये है, तो इस वीडियो को मैं करूंगी यहीं पे एंड क्योंकि 9:30 हो गए हैं। तो रात को मैम कब आती है? सुबह की बात हुई थी। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा बना रही हूँ इस वीडियो को, तो एंड कर दू सब कुछ इसी में करोगे? अरे नेक्स्ट अभी बना रही फ्रेंड्स, ये थी मेकअप किट जो कि परी को बहुत टाइम से चाहिए थी और उसको वहाँ पे मिल गई, तो मैडम ने फटाफट से ले ली। तो मेकअप करके परी ने दिखा दिया है, किसी को नहीं आता है तो सीख लीजिएगा और बताइएगा परी का मेकअप है वो आप लोगों को कैसा लगा। एंड परी काफ़ी खुश हो गई है इस वाले से, और कल इसको अपनी डॉल भी मिल गई थी, तो दो चीज़ें इसको अच्छी मिल गई। और मैं नेक्स्ट डे हम मतलब फिर शाम को हम लोग आए थे
पार्लर में जहाँ मैंने जो है फेशियल करवाया था बहुत सालों बाद मैंने जो पार्लर से फेशियल है वो करवाया, और मुझे हेयर कट करवाना था और बाल मैंने धोए नहीं थे, तो उन्होंने पहले जो है हेड वॉश किया और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था घर पे हेड वॉश करने का, तो मैंने वही सोचा था कि जब कटिंग करनी है तो वो हेड वॉश कर ही देंगे। तो उसके बाद जो है हेड वॉश किया एंड फिर कटिंग करवाई है मैंने, तो ज़्यादा लेंथ मैंने कम नहीं करवाई, बस उन्हीं में थोड़ी सी ही लेंथ जो जितनी मिनिमम हो सकती थी उतनी लेंथ निकलवाई है बस, और थोड़ा सा कुछ करवाया है वो फिर किसी वीडियो में दिखाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कौन सा हेयर कट है, क्योंकि सिंपल बाल है ना अच्छे नहीं लग रहे थे, बिल्कुल एक जैसे बाल थे। और नेक्स्ट डे हमें शादी में जाना था और हम पहुंच गए हैं गुड़गांव, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि हमें शादी से बुलावा नहीं आता है, तो एक ही दिन की दो शादियाँ आ गई थी, तो फिर हम एक ही अटेंड कर पाए जो कि गुड़गांव में थी। तो हम लोग गुड़गांव आ गए हैं एंड गुड़गांव में शादी तो अटेंड करनी थी ही, उसके अलावा जो है मंजीत का बर्थडे भी था, तो हम लोगों ने जो है मंजीत का बर्थडे सेलिब्रेट किया था वहीं पर। और यहाँ पे लगाई जा रही है नेल पेंट जो कि मंजीत लगा रही है नेहा को, और नेहा ने बोला था कि लगा दो, तो मंजीत ने बोला कि चलो, उसने एक हाथ पे लगाई नेहा ने तो उससे अच्छे से नहीं लगी, तो उसको लगा कि चलो मंजीत लगा देंगे दूसरे पे, क्योंकि उल्टे हाथ पे ना थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती लगानी, तो उसने मंजीत को बोला है और उसने लगा बेचारा जैसे लगा रहा था वैसे लगाई, बट नेहा ने फिर नाम रख दिया कि हाँ अच्छी नहीं लगाई है बाहर निकल रही है, तो मंजीत ने फिर दोबारा जब लगाई तो और उसको बिल्कुल निकाल करके और फिर लगाया उसको, मतलब बिल्कुल जो उंगली है ना नाखून के बिल्कुल बराबर में जैसे निकाल निकाल के कि हाँ मेरे को लगाने नहीं आती, उस तरह से लगाया। और ये हम लोग गए थे शाम को शादी में, तो ये है हमारी बच्चा पार्टी, नेहा मंजीत मैं विनोद और बच्चे हम लोग गए थे। तो शादी में हम पहुंच चुके हैं और जो है यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा है एंड हम लोग ने भी सोचा कि चलो थोड़ा सा फ़ोटो सेशन चलवा लेते हैं, विनोद जिन से बात कर रहे हैं इन्हीं के घर में शादी थी, तो ये हमारे मतलब जस्ट नेक्स्ट जो हमारा घर है गुड़गांव में उससे नेक्स्ट वाले घर में ये लोग रहते हैं। तो यहाँ पे नीरव ने बहुत सारे जूसेस ट्राई किए बट उसको कोई पसंद नहीं आया, तो उसने दो दो सिप लेके और जो है सारे जूस रख दिए, बट आई थिंक ये वेस्टेज होती है, तो फिर हमने उसको मना कर दिया कि नहीं जूस तुम्हारे नहीं पसंद आएंगे तो रहने दो। तो फिर उसने जो है जूस दो तीन लिए थे जो ट्राई किए थे, वो फिर हम लोगों को ही पीने पड़े, जैसे मैंने पी लिया विनोद ने पी लिया, तो खैर वैसे तो हमने नहीं जाने दिया, हम लोगों ने पी लिया, लेकिन ऐसे ना जो खाने है उसकी बर्बादी काफ़ी ज़्यादा होती है शादी में। तो मेरा बोल यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जितना आपको रिक्वायरमेंट मतलब भूख होती है उतना ही खाना ले, चाहे जूस हो कॉफ़ी हो कुछ भी कोई चीज़ है तो उतना ही ले, खाने को जो है वेस्ट ना करें। और यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा है, तो मैंने नेहा को बोला था कि एक फ़ोटो ले लो हमारा, तो हम बार बार जो है थोड़ी सी इधर उधर, विनोद को बिल्कुल ये सब चीज़ें मतलब पसंद नहीं है कि हाँ फ़ोटो लेना, और ये सब तो उसको ज़बरदस्ती बोला जाता है कि चलो आ जाओ, तो हम जो है जगह बदल बदल के ले रहे थे कि कहाँ पे अच्छा आएगा। और सब लोगों ने जो है अपनी शादी की पार्टी की शुरुआत की है हेल्दी खाने से, कि जो हम खाना है शादी में आके भी हम हेल्दी खाना खाएंगे, बट वो बस थोड़ी सी देर के लिए ही रहता है। तो सबसे पहले जो है हम लोगों ने फ्रूट चाट लिया कि चलो एटलीस्ट जो शुरुआत है वो तो एक हेल्दी खाने से हो, लेकिन बाद में धीरे आते आते सारी चीज़ें टेस्ट कर ही लेते हैं, तो उसमें जो जंक फूड होता है वो भी इंक्लूड होता है, बट हाँ शादी है तो जो है मर्जी वो खाओ आप। और यहाँ पे मुझे को सबसे अच्छी बात ये लगी, तो ये आप स्टेज पे देख रहे हैं बिल्कुल है ना सिंपल से, उसमें जो है जिनका ये जो चढ़ रहे हैं स्टेज पे इनका रिसेप्शन था, बहुत ही सिंपल सी गोल्डन कलर की जो दुल्हन है उसने एक साड़ी बांधी हुई थी, और ना कोई मतलब इतना मेकअप था और हेयर स्टाइल वगैरह भी बहुत सिंपल रखा हुआ था, तो लगे नहीं रहता इनकी शादी है, काफ़ी अच्छा लगा इनको देख के। और यहाँ पे हमारे जो डांस मास्टर है वो पहुँच चुकी है स्टेज पे, तो परी को जैसे ही डीजे चला थोड़ी देर तो उसको रोक के रखा हमने, लेकिन फिर बाद में उसे रुका नहीं गया और उसने डांस करने के लिए पहुँच गई है स्टेज के ऊपर, और बस पूछो मत उसने कितनी देर तक डांस किया। और पलवित ने भी डांस किया, पलवित को भी शौक लगा हुआ है मतलब चढ़ा हुआ है जो है डांस करने का, तो दोनों चले गए हैं और अभी बाकी बच्चे भी हैं, तो बच्चा पार्टी का जो डांस है वो चल रहा है, उसके बाद जो है बाकी लोग भी आ गए थे और यहाँ पे स्पेस नहीं था, तो परी बिल्कुल कॉर्नर में आकर के जो है डांस कर रही है और ये गाने के अकॉर्डिंग ही जो है डांस कर रही है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ
मतलब मैं उसको चला नहीं सकती क्योंकि फिर वही कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए जो मैं गाना मैंने म्यूट कर रखा है, लेकिन ये बिल्कुल जो गाना चला था ना उसके ऊपर डांस कर रही हैं और इसको मतलब बहुत शौक़ है, तो ज़्यादा जगह नहीं मिली क्योंकि सारी लेडीज वहाँ पर आ गई थी, तो कॉर्नर में आकर के जो है ये डांस करने लगी। एंड ये देखिए जैसे उसको मतलब स्टेप गाने के अकॉर्डिंग उसको जैसे लग रहा है ना खुद ही किए जा रही हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे बोल रहे हैं कि इसको जो है डांस क्लास में डलवा देंगे, तो देखते हैं थोड़ा सा जो है ये पैंडमिक थोड़ा सा कंट्रोल में आए तो उसके बाद करवाएंगे। और यहाँ पे उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, तो उसको हम लोगों ने लालच दिया कि चलो आइसक्रीम खा लो, आइसक्रीम लेके चलते हैं, लेकिन उसने आइसक्रीम को भी रिफ्यूज़ कर दिया डांस के आगे, कोई आइसक्रीम उसने नहीं खाई और हम लोग बस जस्ट उसको खड़ा होकर के देख ही रहे थे। और दूसरी तरफ नीरव है जिसको कि बिल्कुल भी पसंद नहीं है डांस वगैरह, और वो कह रहा था कि मैं बोर हो रहा हूँ चलो, तो हमने उसको बोला कि चलो आइसक्रीम ले आओ परी के लिए, तो परी ने एक आइसक्रीम जो है मना कर दी थी कि मुझे पिंक वाली नहीं खानी, मुझे वाइट खानी है, तो उसके लिए वाइट लेके आए, लेकिन तब तक जो है भीड़ हो चुकी थी उसके ऊपर, तो वो पूछ रही कि मैं क्या करूँ इतने सारे लोग आ गए डांस करूँ, तो फिर हमने उसको बोला कि चलो कॉर्नर में है वहीं पर कर लो। और ये है उसकी सेकंड आइसक्रीम, जो पहले लेके आए थे वो पलवित को दे दी क्योंकि उसको खानी नहीं थी, ये रहा पलवित जो कि आइसक्रीम खा रहा है स्ट्रॉबेरी वाली। परी ने फिर वनीला मांगे तो वनीला लेके आए, लेकिन उसके बाद भी परी मैडम नहीं आई, स्टेज से डांस करती ही रही। और उसके बाद हमने शुक्र अदा किया इन लोगों का जो कि सारे मेल थे, और इन्होंने आकर के पूरे इस डीजे पे कंट्रोल कर लिया और परी फिर अपने आप भी आ गई। तो थैंक यू सो मच जो भी ये लोग डांस कर रहे हैं, इनकी वजह से परी आ गई और इस तरह से हम लोगों ने जो है शादी को एंजॉय किया था। और अब जा रहे हैं घर हम लोग वापस, तो उम्मीद करती हूँ कि छोटा सा ब्लॉग है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।